देन क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, इंटीग्रेशन 2x-3 अपॉन और x² + 3x-18 dx। यह एक क्वेश्चन है, देखिए उसमें शुरुआत में मैंने तीन प्रकार का लिखा था और हर एक का एक एक जो है क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, अभी तक दो हुआ, तीसरा ये है, इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा। तो चलिए सॉल्यूशन उसी तरह से ये भी क्वेश्चंस लगेंगे, बस इसमें स्क्वायर रूट नहीं है तो इंटीग्रेशन अलग तरह से होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी कि 2x-3 अपॉन x² + 3x-18 dx, ठीक है। अब ये px+q के रूप में है तो हम लिख देते हैं, सिंस 2x-3 इक्वल टू a प्लस, यही आप लिखते हो, x² + 3x-18, ठीक है। अब a प्लस बी x² + 3x-18 ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, यही चीज यहां पर लिया गया है। तो 2x, अब देखिए तीनों प्रोसेस में वही चीज माना गया, उसी तरह से माना गया है, ठीक है। तो 2x-3 इक्वल टू ए प्लस, यहां पर d/dx होता है, d/dx। अब ये जो है b और d/dx यानी डिफरेंशिएट करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3 ये हो जाएगा। अब इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करना, तो पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 2x-3 इक्वल टू ए प्लस 2bx + 3b ये हो जाएगा। अब यहां पर 2x-3 इक्वल टू ए प्लस 3b या 2bx कर लीजिए प्लस ए प्लस 3b, यह कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। वही चीज लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग कोफिशियंट्स ऑफ बोथ साइड्स, दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर, आप हिंदी में लिख सकते हैं दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर। तो 2x = 2b ये हो जाएगा, यानी कि 2x = 2bx है तो 2 = 2b, यानी कि 2b = 2, यानी कि b = क्या हो जाएगा, 2/2 मतलब 1, ठीक, यानी कि b = यहाँ 1 हो गया। अगर b = 1 आ गया तो a + 3b = -3 है, तो a आगे ठीक जाएगा, b की जगह 1 हो गया और -3 ये है, तो a + 3 - 3 हो जाएगा, तो a = 3 - -3 यानी कि उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा -6, यानी कि a की वैल्यू जो है आपकी हाईलाइट कर लीजिए, a की वैल्यू आएगी 6, a की वैल्यू आएगी -6, b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू आई 1 और a की वैल्यू आ गई -6। अब जो है यहाँ पर आप वैल्यू लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x-3 अपॉन x² + 3x-18 dx, यह किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहां पर a प्लस बी एक्स हो गया, तो a की वैल्यू है -6 प्लस b की वैल्यू 1 और 2x + 3 अपॉन x² ये क्या हो जाएगा, x² + 3x-18 dx, ठीक है। इनको अलग अलग कर ले आप, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -6 अपॉन x² + 3x-18, ये देखिए कितना तेजी से सॉल्व होता जा रहा है, क्योंकि आप इस तरह से क्वेश्चन दो ऑलरेडी लगा चुके हैं, थोड़ा सा उसमें अंडर रूट था,
स्क्वायर रूट था और इसमें बिना स्क्वायर रूट के डिनोमिनेटर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्लस, ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मन, तो एज इट इज मल्टीप्लाई हुआ खत्म हो गया, 2x + 3 अपॉन यानी कि x² + 3x - 18 dx ये हो जाएगा, -6 बाहर निकल जाएगा और 1 अपॉन x² यह स्क्वायरिंग बना लो आप, तो स्क्वायरिंग क्या होगा, आप जो है x का स्क्वायर करो 2 × x × 3/2, तो ये 3x के बराबर हो जाएगा क्योंकि 2 कट जाएगा 3x हो जाएगा। और -18 का मतलब क्या हुआ, आप 3/2x का होल स्क्वायर आपको लेना भी पड़ेगा और इतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा इसे एडजस्टमेंट यानी कि आप मैनिपुलेट करेंगे और -3/2 का होल स्क्वायर और -18 ऑलरेडी है तो ये रहेगा ही रहेगा और इसके साथ साथ dx। अब सेकंड पार्ट को हम देखते हैं कि इसी का ये dx है, ठीक है। तो एज इट इज रखो, आपको जो है जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्टली हम t के रूप में करेंगे और लॉग में आ जाएगा, ये t होगा तो ये dt हो जाएगा पूरा पूरा 2x dx = dt हो जाएगा, 2x + 3 dx = क्या होगा dt, तो 1/t वाला इसमें फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो एज इट इज लेकर चलो आप, ठीक है। और यहाँ x² + 3x - 18 dx ये हो जाएगा। अब -6 इंटीग्रेशन, यह x + 3 यानी कि x + 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं किसका होल स्क्वायर यह होगा, पहले तो इसको ब्रेक कर लीजिए क्योंकि जितना आपने ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया, अब ये जो है होल स्क्वायर इसका लिखिए तो 9/4 होगा और -18, इस 18 से इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा और dx प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 2x + 3 upon x² + 3x - 18 dx ये हो जाएगा। अब यहां पर जो है आप इसको सॉल्व करेंगे पुनः, -6 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 upon x + 3/2 का होल स्क्वायर एंड -4 × 18 = 72 हो जाएगा, 18 × 4 = 72 और -9 यानी कि 81 हो जाएगा। तो आप यहां देखें ये 18 × 4 = 72 और -9 - 72 - 9 - 81 हो जाएगा, तो यहां ये हो जाएगा -81/4 एंड dx एंड ये जो है एडिटिव लेकर चलेंगे क्योंकि ये लॉग वाला फार्मूला है तो ये एक ही स्टेप में जो है सॉल्व हो जाएगा x² + 3x - 18 और dx, ठीक है। चलिए कुछ स्टेप्स इधर के अरेंज करते हैं, आप लिख चुके होंगे आई होप, तो इसे आप देखें कि अगला स्टेप हम क्या इसमें लेते हैं क्योंकि अब फार्मूला ही बच गया है और फार्मूला क्या है x² - a² का है, तो आप जानते हो x² - a² का क्या होता है, बस वही आप फार्मूला यहां पर अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहां जो है वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देखिए -6 और इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहां x - 3/2 होल स्क्वायर -9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 9/2 का होल स्क्वायर dx और प्लस यहां पर हो जाएगा 2x + 3 upon x² + 3x - 18 dx। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, x² - a² का लॉग ये -x / a + x ये जो है आपका यहाँ पर फार्मूला लगने वाला है, यानी कि यहाँ पर x - a और x + a का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ ध्यान दें -6 log क्या हो जाएगा x plus
थ्री बाई टू माइनस नाइन बाई टू अपॉन एक्स प्लस थ्री बाई टू प्लस नाइन बाई टू ये हो जाएगा। और प्लस यहां ये अगर टी मानते हैं तो यह इसका डीएक्स यानी डिफरेंशिएशन पार्ट है, तो टू एक्स प्लस थ्री डीएक्स जो है डीटी के बराबर हो जाएगा, यानी कि वन अपॉन टी डीटी का फार्मूला जो है लॉग टी, और टी की जगह पर आपने क्या माना है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एटीन, और प्लस सी तो लिखना ही है। ठीक है, अब चलिए इसको आप पहले लिख सकते हैं, चूंकि प्लस में है ये क्वांटिटी प्लस में है और ये क्वांटिटी माइनस में है, तो इसे बाद में लिख सकते हैं। हम थोड़ा सा इसे चेंजिंग करते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एटीन, ये माइनस सिक्स रहेगा ही, और लॉग यहां पर जो वैल्यू है वो घट जाएगा एक्स नाइन माइनस थ्री यानी कि सिक्स अपॉन टू हो जाएगा, और यहां पर जो है एक्स प्लस नाइन प्लस थ्री यानी कि यहाँ ट्वेल्व बाई टू हो जाएगा प्लस सी। अब थोड़ा सा हम और रिड्यूस करते हैं इसे, थ्री हो जाएगा ये सिक्स हो जाएगा, तो यू कैन राइट नाउ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एटीन और माइनस सिक्स लॉग एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस सिक्स प्लस सी। देखिए इस तरह से ऑनलाइन जो है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन केवल यहीं पर सॉल्व होते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए कि इतने जो बड़े क्वेश्चंस के सोल्यूशन है वो जल्दी आपको नहीं मिलेंगे, तो आप जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जो है इसे परचेज भी करें, क्योंकि आपको पूरा पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है हर एक तरह का। ठीक है, जितने पार्ट इसमें दिए गए हैं स्पेशल इंटीग्रल के सभी मैं कराऊंगा और सब जो है सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड होगा। ठीक है, अब चलिए ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब हम जो है तीन फॉर्म किए, यानी कि एक तो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट में है पी एक्स प्लस क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, दूसरा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और तीसरा है पी एक्स प्लस क्यू इंटू अंडर रूट एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इन तीनों तरह के क्वेश्चन को आपने देख लिया। अब एक जो है क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं, तो उसे आप सॉल्व करके आइएगा।